नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान के प्रमुख पर्वत, पहाड़ियां और पठार। इसमें से आरपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, लेकिन पहाड़ियों के बारे में या पर्वत हो या पठार हो, इनकी लोकेशन पूछी जाती है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है या किसी ज़िले में किस स्थान पर है। तो अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम सामने है, तो उसमें भी सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है। और निश्चित रूप से ज्योग्राफी में, राजस्थान की ज्योग्राफी में इसमें से क्वेश्चन एक ज़रूर आता है। तो आइए देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकी ऊंचाई पूछी जाती है कि राजस्थान की जो पर्वत है, जो चोटियां हैं, उनकी ऊंचाई बताइएगा घटते हुए क्रम में। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, गुरु से ज़रा आशा रखो। फिर से देखिएगा, गुरु से ज़रा आशा रखो। गुरु से पहले नंबर पे है गुरु शिखर, दूसरी है शेर से हो जाएगा शेर। ये दोनों चोटियां सिरोही में है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है। उसके पश्चात शेर है, फिर है जरा, जरा से जरगा, जो कि उदयपुर में स्थित है ये चोटी। उसके बाद आशा, आशा से आपको ऐसे याद रखना है अचलगढ़, और अचलगढ़ जो है सिरोही में। उसके बाद रखो, रह से रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ है सीकर में। और उसके बाद खो से हो जाएगा खोह, और खोह जो है ये है जयपुर में। तो ये आपको घटते हुए क्रम में याद रखनी है, इसके लिए फॉर्मूला है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, इसके बाद में हम जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग की अभी प्रमुख पर्वत, पठार, पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले दक्षिण पूर्वी भाग के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर झालावाड़ में जो झालरापाटन है, झालरापाटन से कोटा के मध्य का जो भाग है, ये मध्य की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को कहा जाता है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ या मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो कौन सा क्षेत्र हो गया इसका, कोटा से झालरापाटन के मध्य का भाग। और देखिए, इनकी जो विस्तार है वो इस तरफ ढाल लेता हुआ, ऊपर की ओर ढाल लेता हुआ भाग है इसका। इसी वजह से जो चंबल नदी है वो उत्तर की ओर बहती है, क्योंकि इन पहाड़ियों का जो ढाल है वो इस तरफ घटता हुआ है। फिर देखिएगा, उसके पश्चात हम बात करते हैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मांडलगढ़ जो है, ये जो मांडलगढ़ है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का, ये भीलवाड़ा ज़िला है, मांडलगढ़ में बीजासन का पठार। तो क्वेश्चन आता है कि बीजासन का पठार कहाँ स्थित है, तो ये मांडलगढ़ में है। और मांडलगढ़ कहाँ है आप सभी परिचित हैं इससे, ये भीलवाड़ा में है। इसके पश्चात एक आता है उपरमाल का पठार। तो देखिए, उपरमाल का पठार कहाँ है, वैसे आप बिजोलिया से इसका मतलब समझ गए होंगे, लेकिन सिर्फ बिजोलिया का जो क्षेत्र है वही उपरमाल का पठार नहीं है। यहाँ भीलवाड़ा में है बिजोलिया, ये किसान आंदोलन हुआ था जहाँ पे, इसके बारे में मैं आपको वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। और यहाँ भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़ का ही भाग है, ये इन दोनों के जो मध्य का भाग है, बिजोलिया और भैंसरोडगढ़, इनके मध्य का जो भाग है उसे कहा जाता है उपरमाल का पठार। अब देखिए, इसके पश्चात उदयपुर, उदयपुर के अंदर यहाँ ये जयसमंद झील है जिसको डेबर झील भी कहते हैं। दरअसल उदयपुर पड़ता है यहाँ, जो मेन डिस्ट्रिक्ट जो है, सेंटर जो माना जाता है उदयपुर का, यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है ये। और ये दक्षिण पूर्व भाग की तरफ है, ये जयसमंद झील है। इस जयसमंद झील के पूर्व की तरफ जो कटे फटे से पर्वत से हैं, पहाड़ से, पठार से हैं, उनको कहा जाता है लसाड़िया का पठार या लसाड़िया का पठार। इस जयसमंद झील के पास में, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ही हो गया ये लसाड़िया का पठार। इसके अतिरिक्त ये उदयपुर है, तो आप समझेगा कि ये उदयपुर ही है। इस उदयपुर में चारों ओर जो तस्त्रीनुमा पहाड़ियाँ हैं, उदयपुर के चारों तरफ, इन तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को कहा जाता है गिरवा की पहाड़ियाँ। ये वही गिरवा की पहाड़ियाँ हैं जहाँ महाराणा उदय सिंह जी जो है, वो जब 1567-68 में चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था,
जयमल और पत्ता को चित्तौड़ का किला सौंप करके और गिरवा की पहाड़ियों में ही शरण ली थी महाराणा उदय सिंह जी ने। तो ये उदयपुर के चारों ओर तस्त्रीनुमा पहाड़ियाँ हैं, इनको कहा जाता है गिरवा की पहाड़ियाँ। फिर देखिए उसके पश्चात हम बात करते हैं उदयपुर के नेक्स्ट। देखिए यहाँ राजसमंद में एक जगह है जिसका नाम है कुंभलगढ़, दुर्ग है ये कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ और यहाँ उदयपुर में एक जगह है जिसका नाम है गोगुंदा। इन दोनों के मध्य का जो भाग है ये वाला पोर्शन कुंभलगढ़ और गोगुंदा, ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा इनके जो मध्य का भाग है उसे कहा जाता है बोराट का पठार। तो आपसे क्वेश्चन आता है कहाँ है ये बोराट का पठार, कुंभलगढ़ और गोगुंदा इनके मध्य का जो भाग है, कुंभलगढ़ राजसमंद में और उदयपुर में है गोगुंदा। फिर देखिए इसके पश्चात हम बात करते हैं पीडमांड का मैदान। देखिए पीडमांड का मैदान कहाँ है, यहाँ राजसमंद में एक जगह है कुंभलगढ़ दुर्ग से ऊपर दिवेर आता है और दिवेर से ऊपर आएगा देवगढ़। देवगढ़ में यहाँ के जो कटे फटे जो पहाड़ियाँ सी है उनको कहा जाता है, जो पहाड़ियाँ के यहाँ जो एक मैदान सा है थोड़ी सी ऊंचाई है उसकी, उसको मैदान से ही माना जाता है, उसे कहा जाता है पीडमांड का मैदान। तो ये कहाँ पड़ता है, देवगढ़, और देवगढ़ कहाँ है, ये पड़ेगा हमारा राजसमंद में। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं सुंडा पर्वत। जालौर में भीनमाल है, ये ऐतिहासिक रूप से भी बहुत प्रसिद्ध है भीनमाल, क्योंकि गुजर प्रतियारों की राजधानी थी, नागभट प्रथम जो था उसने इसी भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया था, जो कवि माघ हैं वो यहाँ के थे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है रहा है ये भीनमाल। भीनमाल में जो पर्वत है उनको कहा जाता है सुंडा पर्वत, सुंदा पर्वत, सुंडा पर्वत, ये एक ही नाम है। देखिए इसके बाद में उदयपुर का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, यहाँ जैसे उदयपुर है तो उदयपुर का जो प्रॉपर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का जो इसका सेंटर पॉइंट है, जिला का मुख्यालय, यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर जो पहाड़ियाँ हैं जो उनको कहा जाता है मगरा, ये उदयपुर का उत्तर पश्चिम भाग है, तो उदयपुर में स्थित है, मगरा कहा जाता है इस जो पहाड़ियाँ यहाँ की। इसके बाद में देखिएगा सिरोही, सिरोही की बात करते हैं, गुरु शिखर जो है वो भी सिरोही में है। यहाँ सिरोही का जो पूर्वी भाग है ये उदयपुर, इस तरफ उदयपुर है इस तरफ सिरोही है, सिरोही का जो पूर्वी भाग है इसे कहा जाता है भाकर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाकर कौन सा भाग है, सिरोही का जो पूर्वी भाग है इसे भाकर कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं उड़िया के पठार की, जो कि राजस्थान का जो राज्य का सबसे ऊंचा पठार ही माना जाता है, ये सिरोही के अंदर ही है, जो आबू है माउंट आबू उस आबू के पास में ही है, जो गुरु शिखर है उसके पास में ही है ये उड़िया का पठार, जो कि राज्य का सबसे ऊंचा पठार भी है। किस जिले में है, सीकर जिले में, सिरोही ज़िले में है, और बिल्कुल इस आबू के पास में ही है ये। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं छप्पन के मैदान के बारे में। ये देखिए लिखा है मैंने कि छप्पन का मैदान, तो ये है कहाँ पे, ये देखिएगा माही बेसिन, बेसिन से मतलब है जो माही नदी का जो मार्ग है उसमें जो भी गांव पड़ते हैं, ग्राम पड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़ का इधर का जो क्षेत्र है, यहाँ छप्पन गाँवों का जो समूह है उसे कहा जाता है छप्पन का मैदान, जहाँ पर ये नदी बहती है और छप्पन गांव उसके संपर्क में आते हैं, इसलिए इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। कौन से ज़िले इसमें पड़ते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसके अतिरिक्त अगर छप्पन की पहाड़ियाँ आती है तो वो बाड़मेर में आएगा, शिवाना में, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इस दक्षिण के भाग की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पर्वत पठार पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में ही है। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं चित्तौड़ में मैसा के पठार की। देखिए चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो दुर्ग मैसा के पठार पर ही बना हुआ है, ये देखिएगा ये चित्तौड़ है, चित्तौड़ में तो चित्तौड़ का किला है, ये मैसा का पठार, और इसी मैसा के पठार के ऊपर चित्तौड़ का किला बना हुआ है, जो कि चित्रांग मौर्य ने बनवाया था।
इसके बारे में खैर अलग से चर्चा करेंगे कभी। तो ये देखिए, इसमें महत्वपूर्ण जो दक्षिण राजस्थान के जो मेन मेन पॉइंट हैं वो हमने सारे कवर किए हैं। छप्पन का मैदान, मैसा का पठार, ऊपरमाल का पठार, बिजासन का पठार, इसके अतिरिक्त मुकुंद्रा की पहाड़ियाँ, गिरवा की पहाड़ियाँ, उदयपुर के जो जैसमन झील के पास का लसाड़िया का पठार, फिर सिरोही में आबू के पास का उड़िया पठार जो राज्य का सबसे ऊंचा पठार भी है, सिरोही का जो पूर्वी भाग है उसका भाकर, इसके अतिरिक्त मगरा जो कि उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग का क्षेत्र है, इसके अलावा कुंभलगढ़ और गोगुंदा, इनके जो मध्य का भाग है उसे कहा जाता है बोराट का पठार, जालौर में, भीनमाल में जो सुंडा पर्वत है और जहाँ रोपवे, जो पहला रोपवे भी लगा है जालौर का, इसके अतिरिक्त राजसमंद के देवगढ़ का पीडमांड का मैदान, तो पीडमांड का मैदान आपको ध्यान में रखना है, मांडलगढ़ का बिजासन का पठार ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त इनकी ऊंचाई घटते हुए क्रम में जो राजस्थान की चोटियों की ऊंचाई है वो आपको ध्यान में रखनी है, गुरु से ज़रा आशा रखूँ। तो इसके ये हमने मेन मेन जो राजस्थान के पर्वत पहाड़ियाँ हैं ये दक्षिणी भाग के किए हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आगे का पार्ट है, जो संपूर्ण राजस्थान का, जैसे ऊपर का भाग है, उत्तर ये पश्चिमी का भाग है, पूर्वी भाग है, नॉर्थ का भाग है, बीच में अजमेर के ये जो मध्य का भाग है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में, और अभी सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम है तो उसमें निश्चित रूप से इनकी लोकेशन के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद।